हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने जो लेसन पढ़ा था वो लेसन था बायोमोलेक्यूल। और बायोमोलेक्यूल में हमने कार्बोहाइड्रेट से शुरू किया था, उसके बाद हमने अमीनो एसिड देखा था, फिर प्रोटीन्स देखा था, उसके बाद हमने विटामिन्स देखा था, और लास्ट में हमने हॉर्मोन्स और न्यूक्लिक एसिड पे जाके लेसन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, वो पूरा का पूरा लेसन जो है आपको टेक्स्ट बुक से ही रीड करना है और उसी के थ्रू हमको जाना है। वो हमारा जो लेसन था वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो था लेसन नंबर 14। अभी हमको जो पढ़ना है वो है लेसन नंबर 15, जिस लेसन का नाम रहेगा पॉलीमर। अब ये जो पॉलीमर नाम का वर्ड आता है, ये पॉलीमर नाम के वर्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका पहला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे पॉली, और इसका दूसरा जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे मर। ठीक है, तो पहला जो वर्ड रहेगा ये रहेगा पॉली, और दूसरा जो रहेगा ये रहेगा मर। अब पॉली का मतलब होता है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग बोलते हैं एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाय, तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा। वैसे ही बहुत सारे जब मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पॉली। और मर का मतलब होता है पार्ट, तो कितने पार्ट्स का वो बना हुआ है। जब वो एक ही पार्ट का बना रहेगा तब उसको बोलेंगे मोनो, जब दो पार्ट का बना रहेगा तो उसको बोलेंगे डायमर, और तीन पार्ट का बना रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइमर। सिंपल सी बात है, जैसे जो ट्रेन होती है रेलगाड़ी, इफ़ उसके एक डिब्बे को हम लोग एक पार्ट कंसीडर करते हैं और ऐसे दो डिब्बे एक दूसरे को ज्वाइंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डायमर। जब वहाँ पे उनके तीन डिब्बे जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहेंगे, एक डिब्बे को एक पार्ट कंसीडर किया हुआ है और तीन डिब्बे को हमने तीन पार्ट कंसीडर किया हुआ है, जब तीनों पार्ट अलग अलग रहेंगे तो उसको ट्राइमर कंसीडर नहीं करेंगे। जब तीनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो वो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसमें तीन पार्ट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, वो ज्वाइंट होने चाहिए। जब वो तीन पार्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे तो उस नए स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो रहेगा वो ट्राइमर का काम करेगा। ठीक है, वैसे ही जब बहुत सारे यूनिट्स को, हम बहुत सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करते हैं तो उनको ज्वाइंट करने के बाद जो न्यू स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो इस लेसन में हमको देखना पड़ेगा कि कितने डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स को पढ़ना है, और जितने भी डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स है उसका जो मर है, मतलब एक पार्ट जो है वो मोनोमर जो रहेगा वो क्या रहेगा। इस लेसन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आता है कि कौन से पॉलीमर को बनाने के लिए किस मोनोमर को यूज करते हैं, या तो किस मोनोमर से हम कौन सा पॉलीमर यूज करेंगे, या तो उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा लेसन नंबर 15 जिसका नाम रहेगा पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर्स है उसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीइथीन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पॉलीथीन, तो एक्चुअली वो होता है पॉलीइथीन। पॉलीइथीन में इथीन जो रहेगा वो एक इथीन मॉलिक्यूल रहेगा, और ऐसे एन नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पॉलीइथीन। पॉलीइथीन बनाने के लिए हमने ये रिएक्शन किया, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ईएनई लगा हुआ है, और दो कार्बन होने के वजह से हमने लिखा हुआ है इथ। मतलब यहाँ पे जो एक मोनोमर पार्ट दिया हुआ, एक सिंगल पार्ट दिया हुआ है, उस सिंगल पार्ट का जो नाम रहेगा वो रहेगा इथीन। ठीक है, अब ये जो इथीन मॉलिक्यूल है इसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो पॉली नाम का वर्ड आएगा सामने, पॉली नाम का प्रीफिक्स आएगा, तो ये पूरा का पूरा जो वर्ड बनेगा ये बन जाएगा पॉलीइथीन, जिसको हम लोग रेगुलर लाइफ में बोलते हैं पॉलीथीन, तो वो एक्चुअली होता है पॉलीइथीन। अब देखो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल हमको अनसैचुरेटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हम वही यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब हुआ होगा मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कार्बन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, और पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ सकते हैं, अनसिमेट्रिकल तरीके से भी तोड़ सकते हैं। अब सिमेट्रिकल क्या होता है और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सिमेट्रिकल तरीके से तोड़ते हैं पाई बॉन्ड को, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के ऊपर आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसा ही दूसरे मॉलिक्यूल जो रहेगा उसमें भी एक एक कार्बन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन क्या करेंगे, इसके पास का अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इस प्रकार का एक न्यू कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ का जो डबल बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। मतलब ये हमारा एक इथिन मॉलिक्यूल था, ये हमारा दूसरा इथिन मॉलिक्यूल, ये हमारा तीसरा इथिन मॉलिक्यूल, और ऐसे जब एन नंबर ऑफ इथिन मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला स्ट्रक्चर रहेगा ये बन जाएगा पॉलीइथीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इस बॉन्ड ब्रेक के वजह से ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इथिन मॉलिक्यूल से पॉलीइथिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सिमेट्रिकल या तो अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन करेंगे। नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है इन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के वजह से हमारे हिसाब से यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए, बट कभी कभी हम लोग यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए उस रिएजेंट के वजह से ये कभी कभी अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फ्यूजन भी करता है। जब हम लोग पॉलीमर कैसे बनता है और पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, तो ये पॉलीमराइजेशन का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ से हमको समझ में आएगा कि ये बॉन्ड सिमेट्रिकल ब्रेक करेगा कि अनसिमेट्रिकल ब्रेक करेगा। वो डिपेंड होता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इस मोनोमर यूनिट के साथ हमने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब होता है यूनिट या तो पार्ट, और बहुत सारे यूनिट का जब बना रहेगा तब उसको बोलेंगे पॉलीमर, उनमें से सबसे छोटा जो पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे मोनोमर, और मोनोमर से जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन नाम का वर्ड ही समझ में आता है कि पॉलीमराइजेशन क्या होना चाहिए, मोनोमर यूनिट को जब पॉलीमर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इथिन मॉलिक्यूल है इस इथिन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कम है, लेकिन जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल रहेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास, देखो मोनोमर में नंबर ऑफ एटम्स कम है तो उसका मॉलिक्यूलर मतलब नंबर ऑफ एटम्स कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इस मोनोमर यूनिट में दो कार्बन और चार हाइड्रोजन है, लेकिन वही पॉलीमर में जाएंगे तो एन नंबर ऑफ कार्बन और एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोनोमर में दो कार्बन दो हाइड्रोजन, पॉलीमर में एन नंबर ऑफ कार्बन और एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो सिंपल सी बात है मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, ये जो एटम्स होते हैं इन एटम्स के एटॉमिक मास का सम करते हैं और वहाँ से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो यहाँ पे इस मोनोमर का जो एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा वो कम रहेगा और इस पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और इनके मॉलिक्यूलर मास का जो रेंज होता है वो होता है 10^3 से लेकर 10^7 यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, या तो हम लोग AMU भी यूज कर सकते हैं, और जब हमने इसको मोल कंसेप्ट में पढ़ा था तब हमने उसको ग्राम में भी कंसिडर किया था, ठीक है। तो MM मतलब मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा उसका रेंज रहेगा 10^3 से लेकर 10^7 के बीच में। अब जितने भी पॉलीमर्स हैं उनमें से जो सबसे पहले जिस पॉलीमर को सिंथेसाइज किया था उस पहले पॉलीमर का नाम था, सिंथेटिक पॉलीमर का नाम था PVC। हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं PVC के पाइप्स बनते हैं, तो PVC जो होता है ये PVC एक शॉर्ट फॉर्म है। इस PVC का पूरा फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC का पूरा फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉली का मतलब बहुत सारे, विनाइल और अलाइल के बारे में हमने पढ़ा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर का जो पोजीशन होता है उस कार्बन को बोला था विनाइल, और डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट वाला जो sp3 कार्बन होता है उस पोजीशन को बोला था हमने अलाइल, ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे हमको यूज करना है विनाइल, और विनाइल में क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा,
मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे क्लोरीन लगाएंगे तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइन, विनाइल क्लोराइड। और ऐसे एन नंबर ऑफ विनाइल क्लोराइड से हम लोग क्या बनाएंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। तो जनरली हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड नाम का वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं पीवीसी, ये स्टैंड होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका डिस्कवरी हुआ था 1838 में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ही मतलब 1839 में एक और पॉलीमर का लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था, उस पॉलीमर का नाम है पॉलीस्टाइरीन। बाद में हम लोग देखेंगे डिटेल में कि पीवीसी को कैसे प्रिपेयर किया गया था और पॉलीस्टाइरीन को कैसे प्रिपेयर किया गया था। अब यहाँ पे जो एन नंबर लिखा हुआ है, इस एन को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितना एन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा रहेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एन का मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो बोला हुआ है, तो ये एन का वैल्यू इफ लेस देन 25 होता है, मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन लेस देन 25 होता है, नंबर ऑफ मोनोमर्स का क्वांटिटी लेस देन 25 होता है, तो उस पॉलीमर को बोलते हैं ओलिगोमर। क्या बोलेंगे, ओलिगोमर। तो ओलिगोमर का मतलब होता है व्हेन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन विल बी लेस देन 25। और ये जो ओलिगोमर होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट 25 से कम है, एंड दैट्स वाई ये जो रहेंगे ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। साथ में ये एडेसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मतलब एडेसिव पेंट जो होता है उसको बनाने के लिए हम ओलिगोमर को यूज करते हैं। एडेसिव एंड कोएसिव दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर है या इंट्रा मॉलिक्यूलर है, सिमिलर पार्टिकल के बीच में है या डिफरेंट पार्टिकल के बीच में है, इसके हिसाब से हम एडेसिव और कोएसिव दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। जब कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एन का मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट का क्वांटिटी 25 से ज़्यादा होता है, तब उस पॉलीमर को हम बोलते हैं हेवी पॉलीमर। तो पॉलीमर को दो पार्ट में यहीं पे क्लासिफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 25 से कम आता है तो उसको बोलेंगे ओलिगोमर, और इफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 25 से ज्यादा होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग हेवी पॉलीमर। जब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट कम रहेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, और जब नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट ज्यादा रहेंगे तब वो प्रेजेंट रहेगा सॉलिड स्टेट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एक बन जाएगा ओलिगोमर और दूसरा बन जाएगा हेवी पॉलीमर। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है पॉलीमर और दूसरा आता है मैक्रोमोलेक्यूल। अब देखो पॉलीमर भी एक बड़ा मॉलिक्यूल ही होता है और मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, नॉर्मल एक रेगुलर लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ट्रेन के बारे में, ट्रेन के एक डिब्बे को एक कोच को हमने एक पार्ट कंसिडर किया हुआ है। जब दो ट्रेन के डिब्बे मतलब डिब्बे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे हमने दो पार्ट्स को ज्वाइन किया तो वो बन जाएगा डाइमर। ऐसे बहुत, अब जितने हम लोग ट्रेन के डिब्बे ज्वाइन करते जाएंगे उतना ही ट्रेन का जो साइज रहेगा वो बढ़ते जाएगा। जब ट्रेन के डिब्बे ऐड करते जाएंगे तो ट्रेन का जो लेंथ रहेगा वो बढ़ जाएगा, मतलब ट्रेन जो पहले छोटा साइज था अब उस ट्रेन का साइज जो रहेगा वो बढ़ जाएगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा। अब ऐसे मैं दो के बाद तीन चार पांच ऐसे बहुत सारे मैंने ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए, और जब बहुत सारे डिब्बे मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रेन रहेगा वो यहाँ पे पॉलीमर का काम कर रहा है, क्लियर। तो पहले ट्रेन का साइज छोटा था, अब ट्रेन का साइज बढ़ गया। साइज छोटा रहेगा तो उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे, और साइज जब बड़ा रहेगा तब उसको मैक्रो बोलेंगे। तो ट्रेन का साइज पहले छोटा था, अब ट्रेन का साइज जो रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मैक्रो और माइक्रो को एक बेसिक लेवल के हिसाब से नहीं जाना है कि बेसिक उनका मतलब क्या होता है,
हम माइक्रो को बोलते हैं कि जो हम नॉर्मली देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम उस हिसाब से नहीं जाएंगे, हम पहले यही देखेंगे कि मैक्रो का मतलब होता है बड़े साइज वाला और माइक्रो का मतलब होता है छोटे साइज वाला। तो पहले ट्रेन का साइज छोटा था और ऐसे एन नंबर ऑफ डिब्बे को हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेन जो रहेगा मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि अब ट्रेन का साइज हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रेन है वो एन नंबर ऑफ यूनिट का बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग उस ट्रेन को पॉलीमर बोल सकते हैं। क्लियर? तो पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत छोटे छोटे यूनिट का बना होता है और वो छोटे छोटे यूनिट रिपीट होते हैं बार बार। क्लियर? अब बात आती है मैक्रो मॉलिक्यूल की। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, पॉलीमर बड़ा हो सकता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखेंगे तो प्लेन। अब जो एक प्लेन है वो एक ही पूरा का पूरा पार्ट है, तो हम प्लेन को पॉलीमर नहीं बोलेंगे। तो पूरा का पूरा जो प्लेन रहेगा वो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, और ये पूरा का पूरा जो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा तो उस प्लेन को हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे प्लेन जो रहेगा वो पॉलीमर का काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन में एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ट्रेन जो रहेगा वो भी मैक्रोमोलिक्यूल का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमने डिब्बे ज्वाइन कर दिए हैं। लेकिन ट्रेन में क्या हुआ है, एक ही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो पॉलीमर में एक ही पार्ट बार बार रिपीट होके वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो पॉलीमर को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं। लेकिन प्लेन में देखेंगे तो प्लेन बना हुआ तो बहुत सारे पार्ट्स का है, लेकिन कोई भी पार्ट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ये बार बार रिपीट होता तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेन रहेगा वो जिसका बना हुआ है तो सेम पार्ट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्लेन को मैक्रोमोलिक्यूल तो बोलेंगे लेकिन पॉलीमर नहीं बोलेंगे। ट्रेन को पॉलीमर भी बोल सकते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। नहीं समझा डिफरेंस? तो पॉलीमर एन नंबर ऑफ यूनिट्स का बना होता है, और एन नंबर ऑफ यूनिट जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। मतलब पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। अब वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रिपीटिंग यूनिट से बना रहेगा तो उसको पॉलीमर बोलेंगे, अदरवाइज पॉलीमर नहीं बोलेंगे। तो प्लेन जो रहेगा वो ओनली मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ट्रेन जो रहेगा वो पॉलीमर का भी काम करेगा और मैक्रोमोलिक्यूल का भी काम करेगा। अब देखो, पिछला हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वो कौन सा था, पॉलीइथीन का। अब पॉलीइथीन में देखेंगे तो ये इथीन मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट हो जाएगा तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको हम लोग पॉलीइथीन भी बोल सकते हैं, पॉलीमर भी बोल सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ ये हीमोग्लोबिन का है, तो हीमोग्लोबिन का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देंगे देखेंगे तो यहाँ पे हमको लग ही नहीं रहा है कि कोई भी एक ही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो हीमोग्लोबिन को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन को पॉलीमर नहीं बोल सकते, क्योंकि पॉलीमर बनने के लिए वो जो रहेगा वो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट का बनना चाहिए। पॉलीमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मैक्रो मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर लार्ज साइज, बट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। मतलब पॉलीमर को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल को पॉलीमर हम जरूर नहीं कि वो सही हो। मैक्रो मॉलिक्यूल मे और मे नॉट कंटेन द मोनोमर यूनिट। जो प्लेन है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल का काम कर रहा है, लेकिन वो जो रहेगा वो सेम रिपीटिंग यूनिट का बना हुआ नहीं है। पॉलीथीन में देखा था कि वो छोटे छोटे यूनिट का बना हुआ है, लेकिन वो मैक्रो मॉलिक्यूल भी बनेगा, पॉलीमर भी बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये हीमोग्लोबिन जो रहेगा ये यहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल का काम करेगा। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल, इसको हम लोग क्लोरोफिल कंसीडर करेंगे, तो ये जो क्लोरोफिल है इस क्लोरोफिल के सेंटर में जो रहेगा वो कौन प्रेजेंट रहेगा, एमजी प्रेजेंट रहेगा। तो ये बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से इस क्लोरोफिल को हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग पॉलीमर कंसीडर नहीं करेंगे। तो पॉलीमर और मोनोमर के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो सभी के सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल का काम करते हैं, लेकिन सभी के सभी मैक्रोमोलिक्यूल जो रहेंगे वो पॉलीमर्स का काम नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से किया जाता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स।
मतलब वो जो पॉलीमर रहेगा वो पॉलीमर हमको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो वो पॉलीमर कहाँ से मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उस पॉलीमर को तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो रहेगा वो रहेगा नेचुरल, दूसरा रहेगा सेमी सिंथेटिक और तीसरा रहेगा सिंथेटिक। अभी नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, इसका मतलब भी हमको समझ में आ ही जाता है। ऐसे पॉलीमर जो नेचर में ही हमको मिलेंगे तब उसको बोलेंगे पॉलीमर्स, कौन से, नेचुरल पॉलीमर्स। इफ हम लोग कुछ पॉलीमर्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करेंगे तब उसको बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं वो नेचर में जिस फॉर्म में मिलते हैं हम उसी फॉर्म में उनको एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर हमको थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा। दैट्स वाई उस पॉलीमर्स को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जो नेचर में जिस प्रकार से मिल रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग नेचुरल, लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे तब उसको बोलेंगे सिंथेटिक। नेचुरली जो मिलते हैं उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उसको बनाते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सेमी सिंथेटिक। प्रोटीन हमने लास्ट में देखा था कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है, वो नेचुरली प्रेजेंट होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज के बारे में भी हमने देखा था, ग्लूकोज का बना होता है, स्टार्च जो होता है वो भी ग्लूकोज का बना होता है और ये सभी के सभी नेचर में ही मिलते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल पॉलीमर। यहाँ पे जो फिगर दिखाया, पिक्चर दिखाया हुआ है, इस पिक्चर में जो रबर का प्लांट होता है उस रबर के प्लांट से ये लैटेक्स यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं और ये जो लैटेक्स यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है इस लैटेक्स से वो रबर बनाते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेचुरल, क्योंकि ये जो लैटेक्स है ये नेचर से हमको मिल रहा है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये वेल नोन तो है लेकिन आपने देखा है कि नहीं देखा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक वेल नोन प्लांट है। केसुडो का जो प्लांट आता है गुजराती में जिसको केसुडो बोलते हैं, तो ये केसुडो का जो प्लांट आता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम लोग होली के टाइम, ठीक है, धुलेटी के टाइम हम लोग मतलब पहले ऐसा करते थे, उस फ्लावर्स को लेके आते थे, उसको सुखाते थे, बाद में उसका पानी में डाल के उसका जो कलर आता था उस कलर से होली खेलते थे। इसके डिफरेंट मतलब अच्छे यूजेस भी होते हैं। तो ये जो केसुडो का जो प्लांट होता है उस केसुडो को प्लांट को हल्का सा हम कहीं से कट करते थे, जैसे यहाँ पे रबर के प्लांट को हमने हल्का सा कट किया हुआ है वैसे हम लोग इस प्लांट को हल्का सा कट करते हैं तो उसके अंदर से ऐसा एक लिक्विड बाहर निकलता है। ये जो लिक्विड होता है ये होता तो सॉफ्ट है लेकिन जैसे ही ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो जितना पार्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड बन जाता है। जैसे आप लोग जो यहाँ पे जो ब्राइट कलर का देख रहे हो ये फ्रेशली सिक्रेट हुआ हुआ लिक्विड है वहाँ से प्लांट से, लेकिन ये जो थोड़ा सा डार्क कलर आपको दिखाई दे रहा है ये है, ये पहले निकला था और ये ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होने के वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो गया और उसका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसको हम लोग यूज कर सकते एज एडहेसिव लिक्विड करके, तो जैसे मतलब पेपर या पेज कोई फट गया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस लिक्विड को यूज कर सकते हो। तो ये है एक नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक में यहाँ पे ये टेप दिया, टेफ्लॉन का टेप, टेफ्लॉन का जो टेप होता है जब भी हम लोग कहीं पे पाइप फिटिंग करते हैं गैस का या तो पानी के लिए जो पाइप का फिटिंग करते हैं तो उस टाइम पे जब दो पाइप के बीच में हम लोग जॉइंट लगाते हैं तो उस जॉइंट के बीच में कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे उन दोनों के जॉइंट के बीच में इस प्रकार का एक टेप लगाते हैं और इस टेप को बोलते हैं टेफ्लॉन टेप। ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, हम इसको हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये जो टेफ्लॉन का टेप होता है, ये टेफ्लॉन का टेप जो है ये लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक पॉलीमर। ये पीवीसी का पाइप है जो थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये 100% लेबोरेटरी में बनाया जाता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेमी सिंथेटिक, ठीक है। यहाँ पे जो रेयॉन है, देखो सेल्यूलोज जो है वो नेचुरली मिलता है लेकिन सेल्यूलोज के ऊपर नाइट्रेट का रिएक्शन करके सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाते हैं। सेल्यूलोज नेचुरली मिला था उसके ऊपर एसीटेट
ग्रुप लगाएंगे, मतलब जो सेल्यूलोज हमको नेचर में मिला था वहाँ पे उस सेल्यूलोज के प्रॉपर्टी, उस पॉलीमर के प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे हमने नाइट्रेट या तो एसीटेट ग्रुप को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा ऐड करने का जो प्रोसेस है वो लेबोरेटरी में हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन किया कहाँ पे हमने, सेल्यूलोज पे। तो सेल्यूलोज जो है वो नेचुरल है, लेकिन वहाँ पे हमने आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में नाइट्रेट और एसीटेट दो ग्रुप को वहाँ पे ज्वाइन करने का काम किया हुआ है, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज द सेमी सिंथेटिक। ये रेयन जो हम थ्रेड यूज करते हैं रेयन का, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, क्योंकि नेचर में जो रेयन मिलता है वो थोड़ा सा डल होता है, मतलब देखने में, और हम चाहते हैं कि हम जो थ्रेड यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा ब्राइट कलर का होना चाहिए। तो उसका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम लोग उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं लेबोरेटरी में, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने पॉलीमर्स को तीन पार्ट में देखा, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और साथ में आएगा सिंथेटिक पॉलीमर। अब नेक्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब हम जो पॉलीमर देखने वाले हैं उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे लीनियर पॉलीमर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का अनब्रांच, लीनियर का मतलब होता है अनब्रांच स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये अनब्रांच स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इस प्रकार का पॉलीमर अनब्रांच रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलीमर। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इस लीनियर चेन के ऊपर कुछ ब्रांचेस है, ठीक है, यहाँ पे टोटल चार ब्रांचेस दिखाए हैं, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर। तीसरा रहेगा क्रॉस लिंकिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, तो एक होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है ब्रांच्ड पॉलीमर, और तीसरा होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। ठीक है, ये यहाँ पे लीनियर चेन दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये ब्रांच दिखाया हुआ है, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है क्रॉस लिंकिंग वाला। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक। लीनियर के एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन, सिल्क, नाइलॉन एंड पॉलीस्टर। पॉलीस्टर जो बोलते हैं वो बेसिकली होता है पॉलीस्टर, पॉलिस्टर नहीं होता है, पॉलीस्टर होता है। इनके हम लोग प्रिपरेशन मेथड बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर के एग्जांपल देखेंगे टेफ्लॉन और पीवीसी। तो ये जो रहेंगे ये किसका काम करेंगे, ब्रांच पॉलीमर का काम करेंगे। बैकेलाइट और मेलामाइन दीज आर द क्रॉस लिंकिंग, जैसे ये बटन्स होते हैं शर्ट के, ये बटन्स जो होते हैं ये क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स के वजह से होते हैं। तो क्रॉस लिंक वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, लीनियर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, इसलिए लीनियर पॉलीमर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, बैकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीस्टर, नाइलॉन, इन सब का प्रिपरेशन मेथड हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उन पॉलीमर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कैसे रहेगा, हम उनको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला रहेगा इलास्टोमर, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। दूसरा रहेगा फाइबर, तीसरा रहेगा थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट में रहेगा थर्मोसेटिंग। हम ये जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये तीसरा क्लासिफिकेशन है, पहला सोर्स के हिसाब से था, दूसरा स्ट्रक्चर के हिसाब से था, तीसरा मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से है। अब इतना ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बाद में जैसे हम लोग पीवीसी पढ़ेंगे, टेफ्लॉन पढ़ेंगे उस, ठीक है, ये बैकेलाइट पढ़ेंगे, मेलामाइन पढ़ेंगे, तो जब उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब उनके प्रॉपर्टीज पर लिखा जाएगा इट इज़ ए लीनियर पॉलीमर, इट इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, इट इज़ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इट इज़ अ इलास्टोमर, इट इज़ अ फाइबर पॉलीमर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलास्टोमर, फाइबर पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर किस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे। तो ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक्स है जो बाद में हमारे काम आने वाला है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलास्टोमर के बारे में। इलास्टोमर का जो नाम है वही से हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के प्रॉपर्टी शो करेगा। इलास्टोमर जो रहेगा इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक रहेगा, और
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के वजह से ये स्ट्रेचेबल होता है, मतलब इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है रबर एंड ब्यूना एस, ठीक है, तो इनके बीच में भी क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से वो स्ट्रेस तो होता है लेकिन स्ट्रेस इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि वो टूट जाएगा। जैसे ये रबर बैंड जो होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो ये जो रबर्स होते हैं या तो जो रबर बैंड्स होते हैं इनको हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मतलब ये रबर जो रहेगा वो है तो पॉलीमर, लेकिन ये ऐसा पॉलीमर है जो स्ट्रेच हो सकता है, और जो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इलास्टोमर। तो जिस पॉलीमर्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है उनको इजीली स्ट्रेच कर सकते हैं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर। हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉलीमर रहेगा वो रहेगा फाइबर। अब फाइबर क्या रहेगा, जैसे इलास्टोमर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक था, लेकिन फाइबर में जो रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो रस्सी या रोप बनाने के लिए हम लोग जिस पॉलीमर को यूज़ करते हैं वो होता है फाइबर पॉलीमर। तो ये रस्सी या रोप जो होता है वो फाइबर पॉलीमर का काम करता है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, और इस मजबूती को बनाने के लिए ये जो मजबूती होती है, ये जो स्ट्रेंथ होता है, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो फाइबर में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इलास्टोमर में जो रहेगा वो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ पे फाइबर के कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, नाइलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइबर पॉलीमर जो इजीली स्ट्रेच नहीं होते हैं। हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिमोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब जैसे पीवीसी का जो पाइप होता है, जैसे ये पीवीसी का पाइप यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये पीवीसी के पाइप सपोज यहाँ पे थोड़ा सा टूट जाता है या तो हमको इसको बेंड करना है अब, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पीवीसी का पाइप होता है उसको अभी हार्ड है, पीवीसी का जो पाइप होता है वो हार्ड होता है, लेकिन जैसे इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट बनेगा। मतलब थर्मोप्लास्टिक का मतलब देखो, ये मोस्ट मतलब ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर को जिसको हीट करेंगे तो हीट करने के वजह से वो पॉलीमर सॉफ्ट बन जाएगा, और जैसे उसको कूल करेंगे तो फिर से हार्ड बनेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये स्ट्रेट एक मतलब एकदम लीनियर पाइप है, अब इस पाइप को मुझे हल्का सा बेंड करना है, तो ये पीवीसी का पाइप हार्ड होने की वजह से उसको मैं इजीली बेंड नहीं कर सकता, इफ़ ये बेंड करूँगा तो टूट जाएगा, इसलिए इसको बेंड करने के पहले हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो जिस पार्ट से मुझे इसको बेंड करना है उस पार्ट पे मैं सबसे पहले उसको हीट करूँगा, तो उतने पार्ट का ये जो पाइप रहेगा ये सॉफ्ट बनेगा, और जैसे वो सॉफ्ट बनेगा तो उसको मैं रिमोल्ड कर सकता हूँ। रिमोल्ड का मतलब होता है उसका शेप चेंज करना, और जैसे उसको शेप चेंज करने के बाद उसको एज इट इज रखूंगा और बाद में उसको ठंडा होने दूंगा तो वो उसी शेप में चले जाएगा। तो थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है इफ किसी पॉलीमर को हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट बनने के बाद उसको रिमोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा तो और हार्ड बन जाएगा, तो उसके बाद वो जिस शेप में हमने कन्वर्ट किया था उसी शेप में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, इफ हम उसको हीट करेंगे तो ये और हार्ड बनेगा। थर्मोप्लास्टिक में हीट करेंगे तो उनके बीच का बॉन्डिंग वीक हो जाता है, और बॉन्डिंग वीक होने की वजह से वो सॉफ्ट बनता है। थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होता है। थर्मोसेटिंग में उनको हीट करते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रांग बन जाता है, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से और हार्ड बनेगा।
थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग दोनों को हीट करते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक वाला बॉन्डिंग वीक होने की वजह से सॉफ्ट बन जाएगा, थर्मोसेटिंग वाला बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से हार्ड बन जाएगा। मतलब थर्मोप्लास्टिक में हीटिंग करेंगे तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा, थर्मोसेटिंग में हीटिंग करेंगे तो हार्डनेस बढ़ेगा। यहाँ पे उनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। नॉर्मली तो थर्मोप्लास्टिक होता है वो लीनियर भी होता है, कभी कभी ब्रांच्ड भी होता है। सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग ये अभी बताया था, इसको हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, हीटिंग करेंगे तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बढ़ जाएगी और बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से उसका हार्डनेस बढ़ेगा। इलास्टोमर इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, फाइबर इलास्टिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक को हीट करेंगे तो सॉफ्ट बन जाएगा क्योंकि बॉन्डिंग वीक होता है। थर्मोसेटिंग में हीटिंग करेंगे तो और हार्ड बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्लियर। अब जो क्लासिफिकेशन रहेगा पॉलीमर्स का वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजेशन। और ये पॉलीमराइजेशन जो होता है ये पॉलीमराइजेशन दो पार्ट में कन्वर्ट, मतलब दो पार्ट का, दो टाइप का होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा जो है वो कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर।